आज हम देश की आजादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, मगर देश की आजादी ऐसे नहीं मिली। इसको पाने में सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान भी गंवाई है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय में झंडा फहराने के दौरान शहीद सिवान निवासी उमाकांत सिंह की कहानी। बात साल 1942 की है। भारत छोड़ो आंदोलन को सफल बनाने के लिए 11 अगस्त को पटना के सचिवालय पर तिरंगा फहराने के दौरान अंग्रेजों की गोली से बारी बारी से 7 क्रांतिकारी शहीद हुए। इन शहीदों में एक थे 19 वर्षीय उमाकांत सिंह। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इनकलाब करने वाले उमाकांत सिंह का जन्म सिवान जिले के नरेंद्रपुर गांव में हुआ था। बचपन से ही उमाकांत सिंह देशभक्ति से ओत प्रोत, मेधावी और कुशाग्र बुद्धि के छात्र रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उनकी पढ़ाई पटना में चल रही थी। 1942 में हुए अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान जो चल रहा था, गांधी जी का, राजेंद्र प्रसाद का, उसमें अपना सक्रिय थे। पटना से उस समय विद्यार्थी थे, 11th क्लास में पढ़ रहे थे। परिजन बताते हैं कि 11 अगस्त की सुबह सचिवालय पर झंडा फहराने के लिए क्रांतिकारियों का एक कारवां निकला। झंडा फहराने के क्रम में उमाकांत सिंह को भी गोली लगी, लेकिन तब तक देश का आन बान शान तिरंगा पटना सचिवालय पर शान से लहरा चुका था। पटना सचिवालय पर झंडा फहराते हुए शहीद हुए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने अल्टीमेटम दे रखी थी कि अगर आप लोग झंडा फहराइएगा तो आप लोग मारे जाओगे। लेकिन ये डरे नहीं है, उनके साथ जो बिहार के 7 शहीद थे वो भी सचिवालय पर चढ़े और झंडोत्तोलन किए, और सबसे पहले शहीद होने वाले में यही थे, 7 शहीद में। आजादी के अमृत महोत्सव पर उमाकांत सिंह की देशभक्ति वीर सपूतों के लिए अनुकरणीय और प्रेरणा स्रोत है। देश की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारियों की शहादत इतिहास में दर्ज है। सिवान से आकाश कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।